राजस्थान के बूंदी से सांसद ओम बिरला लोकसभा के नए अध्यक्ष होंगे। सारे पूर्वानुमानों और अटकलों पर विराम लगाते हुए पीएम मोदी ने लोकसभा के नए स्पीकर के मामले में अनुभव पर ऊर्जावान युवा चेहरे को तरजीह दी है। नाम तय होने के बाद बिरला ने मंगलवार को स्पीकर पद के लिए नामांकन भी भर दिया। उन्हें एनडीए में शामिल दलों के अलावा वाईएसआर कांग्रेस बीजेडी का समर्थन हासिल हुआ। संभावना है कि बिरला बुधवार को ही निर्विरोध स्पीकर चुन लिए जाएंगे। 56 वर्षीय बिरला का नाम बतौर स्पीकर सोमवार देर रात तक चली भाजपा की संसदीय दल बोर्ड की बैठक में तय किया गया। बूंदी से दूसरी बार सांसद बिरला इससे पहले 3 बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। विधायक रहते हुए उन्होंने संसदीय सचिव की जिम्मेदारी भी संभाली थी, जबकि सांसद रहते हुए बीती लोकसभा में कई संसदीय समितियों के शामिल रहे थे। वो भाजपा सूत्रों का कहना है कि स्पीकर उम्मीदवार बनाने में बिरला की निर्विवाद छवि और काम पर ध्यान केंद्रित रहकर विवाद से दूरी रहने की रणनीति काम आई। वैसे भी पीएम ने बीते हफ्ते आयोजित संसदीय दल की बैठक में साफ कर दिया था कि जिम्मेदारी देने के मामले में वरिष्ठता की जगह गुणवत्ता, निपुणता और तत्परता को मापदंड बनाया जाएगा। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारे ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।